हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज मैं इतना डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बिना बनाए रुक नहीं पाओगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ वीडियो को। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक लौकी, हमारा छोटा वाला लौकी है ये। फिर इसे हम काट लेंगे। ये बहुत ही आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होने वाली है। तो इसे हम छील लेते हैं। तो लौकी मैंने छील लिया। फिर मैं लेती हूँ यहाँ पर एक गहरा बर्तन, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। आप बहुत ही पतला वाले से नहीं कद्दूकस करिएगा, जो मीडियम साइज का होता है उसी से आप कद्दूकस करेंगे। बहुत ही अच्छे से हमारा कद्दूकस हो जा रहा है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट लौकी है। तो मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, बीज बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आप लौकी लेते हैं आपका बीज थोड़ा हार्ड होगा, तो आप बीज को निकाल कर तब आप इस रेसिपी को बनाइएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर चलिए इसे भी मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो मैं लौकी को कद्दूकस कर ली हूँ यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, इसके पानी को हम निकालेंगे। हाथ से दबा दबा कर इसके पानी को हम निकाल लेते हैं। फिर लौकी को हम साइड में रखेंगे जिसमें का पानी निकल जाएगा उसको। तो दोनों हाथों की मदद से भी आप जल्दी जल्दी चाहें तो पानी निकाल सकते हैं। खूब अच्छे से पानी को हम निचोड़ेंगे इसमें से, लौकी में से। तो सारे लौकी को मैंने निकाल लिया है पानी। तो इस सारे पानी को मैं फेंक देती हूँ। फिर गहरे बर्तन में मैं लौकी को मैं रख लेती हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि लौकी का कबाब कैसे बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होने वाला है आज की रेसिपी हमारी। फिर मैं डालूँगी यहाँ पर हरी मिर्च। हरी मिर्च का जो लाल हो जाता है वो भी मैंने डाल दिया है यहाँ पर। चार से पांच मैंने मिर्च ली हूँ बारीक कटा हुआ। तो मैं लेती हूँ यहाँ पर बेसन। बेसन को चार चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पर। आप देख सकते हैं चम्मच से नाप कर आप डालिएगा। एक बार में ही ज़्यादा बेसन नहीं डालना फ्रेंड्स। और ये हमारा चावल का आटा, इसे भी मैं चार चम्मच नाप कर रख ली हूँ। ये भी मेरा चार चम्मच ही है, मैं इसको भी डाल देती हूँ। फिर मैं लेती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला। ये हमारा काली मिर्च, चार लौंग, दो बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी। इसे हम दरदरा सा कूट लेंगे। इसे डालने के बाद ही हमारा बिल्कुल ही कबाब का टेस्ट आने वाला है। लौकी के कबाब बनाकर ऐसे ही तैयार किया जाता है। तो बड़ी इलायची का छिलका निकाल कर फिर बीज को मैं इसमें डाल देती हूँ। आप मेरी वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा तभी आपको पता चलेगा लौकी का कबाब कैसे बनता है। तो फिर इसे हम कूट लेते हैं। तो हमारा कूट के तैयार हो गया फ्रेंड्स। फिर हम डाल देंगे इसमें लौकी में। तो एक दो छिलका भी चला गया, हम छिलके को निकाल लेते हैं। बड़े इलायची का छिलका है, इसे निकाल लेंगे। अगर आप इस तरह से कुटा हुआ मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो आप चाहें तो रेडीमेड जो गरम मसाला था आप उसे एक चम्मच भी डाल सकते हैं इसके जगह पर। तो मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी, एक चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार आधा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। फिर हाथ की मदद से इसका खूब अच्छे से हम डो तैयार करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपका परफेक्ट डो तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा डो मेरा तैयार हो गया है, मैंने पानी का बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया है। तो हाथ में तेल लगा कर मैं अच्छे से एक कबाब जैसे मैं बना लेती हूँ।
तो इसी तरह से आपको भी बनाना है। ये बहुत ही झटपट से रेसिपी बनकर तैयार हो जाता है और इतना टेस्टी और हेल्दी होता है कि आप यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स। अगर आप इसे बना लोगे तो बार बार आप इसे ही बनाकर खाना पसंद करोगे। तो देखिए हमारा सारा कबाब बनकर तैयार हो गया है। फिर चलिए मैं गैस की तरफ चलती हूँ। तो मैंने ले लिया यहाँ पर पैन, पैन को गैस के ऊपर मैंने चढ़ा दिया है, गर्म हो गया हमारा। फिर मैं इसमें लगाऊँगी तेल हल्का सा, बहुत ही कम तेल में सेक के तैयार होता है ये। तो चारों तरफ से तेल लगा लेना है। फिर एक एक कबाब को मैं इस पर रख दूंगी पैन पर। ये रेसिपी अचानक से मेरे दिमाग में आया तो मैं सोची कि आपके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से आप भी बनाइएगा, एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। फिर ऊपर से मैं तेल लगा देती हूँ, अच्छे से सारे टिक्के के ऊपर मैं तेल लगा देती। फिर थोड़ी देर बाद इसे पलटना है, आँच को मीडियम पर ही रखना है, तेज़ नहीं करिएगा। तो सारे टिक्के को मैंने पलट लिया है कबाब को। तो मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों तरफ से खूब अच्छे से सीख कर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर, मैंने कितने कम सामान में कितने कम ऑयल लगाकर मैंने बनाया है। अगर इस तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपके घर में तो लौकी कभी सूखेगी नहीं, हर दिन आपके घर में लौकी पड़ी रहेगी इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो देखिए हमारा कबाब बनके तैयार हो गया है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इसका लुक देखिए कितना प्यारा सा आया है। फिर चलिए बाकी का भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा कबाब बनके तैयार हो गया है, लौकी का कबाब। आप इसे देख के समझ गए होंगे कि कितना हेल्दी और टेस्टी बनके कबाब हमारा तैयार हो गया है। इसे तो आप बच्चों को भी मन से खिला सकते हैं, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे इसे। मेहमान के आने के बाद तो ज़रूर से तैयार करके खिलाइएगा, आपकी तारीफ ही तारीफ होने लगेगी, क्योंकि बहुत ही कम सामान में बहुत ही हेल्दी तैयार हुआ है हमारा रेसिपी। मैं आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।